आप सबका अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं देश के कुछ जनजातियों के बारे में जो लगातार पूरे वर्ष 2019 से लेकर आज तक चर्चा में रही हैं और हमारी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातियों के त्यौहारों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित, मेलों से संबंधित या जो भी जनजातियां समकालीन संदर्भों में चर्चा में रहती हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए कि हमारा कोई भी प्रश्न समसामयिक मुद्दों का गलत ना हो, क्योंकि हमारे टू द पॉइंट कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि समसामयिक मुद्दों पर आपके प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं, आज सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं जनजातीय समुदाय में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं तिवा जनजाति के बारे में। तिवा जनजाति के बारे में देखने वाले हैं ये चर्चा में क्यों थी और ये क्या कहाँ से संदर्भित है। कोई भी जनजाति हो, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वो जो जनजाति है वो किस राज्य से संदर्भित है और समसामयिक संदर्भों में क्यों चर्चा में रही है। तो कारण पता होने चाहिए और कहाँ से संदर्भित है। यदि दो चीज़ आज आप कवर करके चलते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब ये तिवा जनजाति है, ये संदर्भित है असम से। असम से संदर्भित है आपने जान लिया। अब बात आती है तिवा जनजाति चर्चा में क्यों है। असम से संदर्भित है हमने देख लिया, चर्चा में क्यों है, क्यों हम पढ़े तिवा जनजाति को, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी जनजातियां हैं तो और के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कारण भी जानना जरूरी है। तो तिवा जनजाति ये जो असम से संदर्भित है ये कार्बी आंगलोंग जिला है, कार्बी आंगलोंग जिला है असम का, जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ये निवास स्थल है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये एक इनका त्यौहार होता है बेंचुआ त्यौहार, तो अपने बेंचुआ त्यौहार के कारण ये चर्चा में थी। तो बेंचुआ त्यौहार वर्ष 2019 में मनाया गया था और बेंचुआ त्यौहार भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ बेंचुआ त्यौहार नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि यह त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेंचुआ जो त्यौहार है ये जनजाति मनाती है तिवा जनजाति, असम राज्य में मनाया जाता है। दूसरी जनजाति है हमारी न्यासी जनजाति। न्यासी जनजाति या कहीं कहीं आपको यासी जनजाति मिलेगा, तो न्यासी यासी में कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आपको यासी मिलेगा, तो यासी न्यासी एक ही है, इसमें आपको अंतर नहीं करना है। तो न्यासी जनजाति सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किस राज्य से है ये आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से संदर्भित है। अब आपको सोचना चाहिए कि आप हम आपको क्यों बता रहे हैं, चर्चा क्यों है इसकी, क्योंकि समकालीन संदर्भों में कहीं तो कुछ रहा होगा। तो समकालीन संदर्भों में चर्चा यह है कि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक है पक्के पागा टाइगर रिजर्व। जो पक्के पागा है, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, वहीं के आसपास ये जनजाति रहती है न्यासी जनजाति। लेकिन चर्चा में इसलिए थी क्योंकि आप जानते हैं कि नागालैंड में एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हॉर्नबिल जो नाम है एक पक्षी का नाम है, और जो पक्षी है वो दिन प्रतिदिन उसका शिकार होता जा रहा था, वो विलुप्त के कगार पे पहुंच चुका था। तो जो न्यासी जनजाति, इन्होंने क्या किया, जो इनका पक्के पागा टाइगर रिजर्व है इसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पे ये रहती हैं, उन्होंने क्या किया कि उस एरिया में हॉर्नबिल को संरक्षित करने का प्रयास किया, उसके शिकार को प्रतिबंधित किया जागरूकता के माध्यम से अपने समुदाय में, और संरक्षित करने का प्रयास किया, फलस्वरूप वहाँ पे उसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली। तो न्यासी जनजाति इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने संरक्षण का प्रयास किया। किसके संरक्षण का प्रयास किया, हॉर्नबिल के संरक्षण का प्रयास किया। अब बात आ गई हॉर्नबिल, तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला पूछा जाता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जब बात आए पक्के पागा हॉर्नबिल तो आपको टिक करना है अरुणाचल प्रदेश, जब बात आए सिर्फ हॉर्नबिल त्यौहार की तो आपको नागालैंड पे टिक करना है बिना किसी जो है कन्फ्यूजन के। तो आपने देख लिया न्यासी जनजाति क्यों चर्चा में है, और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो न्यासी जनजाति है इसका भी एक त्यौहार है, जैसे मैंने तिवा का देखा था बेंचुआ, उसी तरह न्यासी जनजाति का त्यौहार है, इसको बोलते हैं बूरी बूटी त्यौहार। तो बूरी बूटी त्यौहार जो है वो न्यासी जनजाति का है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
अगला है चांगपा समुदाय। यदि आप हमारा देखते होंगे टू द पॉइंट तो निश्चित रूप से आप इससे वाकिफ होंगे। जो चांगपा समुदाय है ये लद्दाख रीजन से संबंधित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण कर रखा था और जो हिस्सा चीन ने अतिक्रमण किया था वहाँ पर क्या था, हरे चारागाह हुआ करते थे, ग्रीष्मकालीन चारागाह हुआ करते थे। तो जो ये समुदाय है हमारा चांगपा समुदाय, इनके पास होती हैं पश्मीना बकरियां और पश्मीना बकरियों के लिए जो घास की उपलब्धता होती है चारागाह से ही होगी। और चारागाह जब चीनी सेना के अंदर था जहां पर उन्होंने कैंपिंग किया था तो क्या हो गया कि इनके लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अलग अलग रिपोर्ट आने लगी थी कि इस तरह से पश्मीना बकरियों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 2 दिन पूर्व का हमारा कार्यक्रम है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, चांगपा समुदाय के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो क्यों चर्चा में है ये आपने समझ लिया। अगला है कोलम आदिवासी। कोलम आदिवासी ये संदर्भित है महाराष्ट्र से। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त कोलम के अतिरिक्त कटकारिया मारिया गौंड, 3 जनजाति हो गई, कोलम कटकारिया मारिया गौंड को विशेष रूप से कमजोर जातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया है, चिन्हित किया है। किन जनजातियों को, 3 हो गए, कोलम कटकारिया और मारिया गौंड को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय की जो श्रेणी है उसमें रखा है, चिन्हित किया है, यह आपने देख लिया। अगला है एनादि जनजाति, ये महत्वपूर्ण है। एनादि जनजाति ये संदर्भित है आंध्र प्रदेश से। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस जनजाति के करीब 200 लोगों ने, मतलब इस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है और इस जनजाति के 2000 लोगों ने पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान किया था, तो आपने ये देख लिया। अगला है अपतानी जनजाति। अपतानी जो जनजाति है ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश के लोअन सुबर्णसिरी जिले से संदर्भित है। इनका जो त्यौहार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक त्यौहार है इसको बोलते हैं ड्री त्यौहार, कृषि से संबंधित होता है। दूसरा है क्योको म्योको त्यौहार, आधा मा या योको, तो म्योको त्यौहार जो होता है ये दोस्ती आपसी भाईचारे से संबंधित, मतलब बढ़ावा देने के लिए होता है। और जो ड्री त्यौहार है ये कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए मनाया जाता है। अगला है दर्द आर्यन जनजाति। दर्द आर्यन जनजाति चर्चा में इसलिए है, पहली बात तो ये लद्दाख से है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो नई दिल्ली में है वहाँ पे इस बार दर्द आर्यन महोत्सव मनाया गया था। तो दर्द आर्यन महोत्सव मनाया गया है, कहाँ पे मनाया गया है, ये मनाया गया है लद्दाख में, और लद्दाख से संदर्भित जनजाति है दर्द आर्यन जनजाति, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा सेंटिन, इसको बोलते हैं सेंटिनलीज जनजाति, सेंटिनलीज बोलते हैं या सेंटिनलीज जो भी बोलते हैं, ये संबंधित है अंडमान से। ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि एक अमेरिका के थे फोटोग्राफर थे, वो कहाँ गए थे, इस सेंटिनलीज जो द्वीप है हमारा वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से सेंटिनलीज जनजाति चर्चा में आ गई थी। और इसकी चर्चा हमने इसलिए भी किया है क्योंकि ये अंडमान से संदर्भित है, और अभी हाल ही में हमने अंडमान से एक पॉम आयल का ट्री होता है, पॉम ट्री होता है एक, उसको लाकर पुणे में बैठाया है, क्योंकि वो जो ट्री था उस प्रजाति के सिर्फ 400 ही वृक्ष बचे हुए थे, उनको बढ़ाने के लिए कि पूरे भारत में उनका प्रसार किया जाए, तो पुणे में लाकर हमने उसको वृक्ष को लगाया, इसके लिए वो चर्चा में था अंडमान निकोबार, तो हमने इसलिए उसकी चर्चा देख लिया है। तो आज के अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।